हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है कैपिटल एंड कंट्रीज, ठीक है, देश और राजधानी। इसके पिछले वीडियो में मैंने कैपिटल आर्टिकल्स की बात की थी, उसके पिछले वीडियो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कम व्यू है बट जितने देख रहे हैं पूरा देख रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, ठीक है। और कुछ लोग तो रिप्लाई भी बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जिस पीडीएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो पीडीएफ में ऐसा नहीं कि आपको तुरंत आप वीडियो खोलेंगे आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा वक्त लगता है किसी चीज को, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिए, लिखिए नोटबुक पे, इसको प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ की टेंशन मत दीजिए। पीडीएफ जैसे अवेलेबल होगा मैं आपको तुरंत पोस्ट कर दूंगा वहां पे, ठीक है। तो आप पीडीएफ का टेंशन ना लेके बोर्ड पे जो चीजें लिखी रहती है उनको कॉपी राइट कर लिया करो, ठीक है। आप कॉपी पर कर लेंगे तो आपके पास वो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। आप एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप पीरियड टेबल, क्यूब्स, ये देश, करेंट्री, करेंसी सारी चीजें लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपका पर्सनल नोटबुक बन जाए। तो यही मेरे को एक रिक्वेस्ट करना था आपसे, ठीक है। पीडीएफ के पीछे मत भागिए, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। जब भी अवेलेबल मेरे पास होगा मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो देश और राजधानी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। टोटल मैंने 40 बता दिए थे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे 60 तक, ठीक है। 40 के बाद में 50, फिर 60, 20 और देखेंगे 60 हो जाएगा। और मैं जैसे आप लोगों से वादा किया था कि मैं पूरी कंट्री बताऊंगा आपको कैपिटल के साथ में और करेंसी भी बताने वाला हूं, तो मैं आपको पूरी तरह से दोनों बताने वाला हूं, ठीक है। अब हम पूरी तरह से पूरे 198 जितने भी हमारे कंट्रीज हैं पूरे देखने वाले हैं और टोटल हम करेंसी भी देखने वाले हैं। तो टोटल आप टेंशन मत लीजिए, आप बस नोट डाउन करते जाइए, जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप जस्ट उसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि रिवाइज एंड रिवाइज, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपको ये याद होगा। आप तो बस एक दो बार देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, अगर इसमें लिखा गया है कि हो जाएगा एक ही बार में तो एक बार में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी यहाँ पे इतना टैलेंटेड नहीं है कि एक बार कोई चीज पढ़े और उसको सालों साल याद हो जाए, ठीक है। कुछ समय के लिए, एक दो दिन के लिए हो सकता है, बट सालों साल के लिए उसको एक बार दो बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से आप भी चीजों को रिवाइज करते जाए, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पे बेलारूस है, ठीक है, तो बेलारूस मिंसक, बट हम ऐसा बेलारूस से मिंसक तो याद करने वाले नहीं है, मिंसक से मानसिक बोलने वाला हूँ। मिंसक से मैं क्या बोलने वाला हूँ, मानसिक। तो अब मानसिक जब आप एक बार याद करेंगे तो आपको सेकंड टाइम याद आए मिंसक, इसलिए आपको उसको बार बार इस नाम को पढ़ना पड़ेगा, मिंसक मिंसक, मानसिक से मिंसक। तो आपके माइंड को ऑटोमेटिक पता चलेगा, जब भी आप मानसिक बोलेंगे तो आपको मिंसक याद आएगा। कुछ बच्चे होते हैं एक दो बार पढ़ते हैं और फिर जाते हैं कहीं पे, बोलते हैं मुझसे पूछ लो गारंटी, और फिर नहीं बता पाते, अरे वो ट्रिक खराब है, नहीं आता उसमें, नहीं याद रहता इतना, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, सारी ट्रिक्स अच्छी है, बस आपको हैंडल करने आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट। 41 से क्या है, 41 में क्या है देखिए, बेलिज, ठीक है, बेलिज, बेलिज में क्या है, बेलमोपान, बेलिज में क्या है, बेलमोपान। अब बेलिज, बेलिज में बना दीजिए बेलज, ठीक है, बेलज, जिसे बोलते हैं ना कोई बेलज है, निर्लज है, उसी तरह से बेलज कर दो, ठीक है। तो ऐसा आप किसी को बोल रहे हैं कि कितना बेलज है आपका बलमा, क्या बोल रहे हो आप, कि कितना बेलज है, कितना बेशर्म है आपका बलमा, पान खा रहा है, क्या खा रहा है, पान खा रहा है। तो इस तरह से आपको बोलना है, तो कितना बेलज है आपका बलमा, क्या कर रहा है, पान खा रहा है। नेक्स्ट परागवे, परागवे पे क्या है, असन्यास। तो परागवे, पान पराग, आपने पान पराग का नाम सुना रहेगा, तो पान पराग खा रहा है आपका सन, पान पराग खा रहा है आपका सन, क्योंकि वो हो गया है स्याना, ठीक है, क्या हो गया है, स्याना हो गया है आपका सन, इसलिए क्या खा रहा है, पान पराग खा रहा है। तो परागवे से क्या हो जाएगा, सन, असन्यान, ठीक है, तो सन न्यान, तो स्याना, तो आपका सन क्या हो गया, स्याना, इसलिए क्या खा रहा है, पान पराग खा रहा है। फिनलैंड, फिनलैंड में क्या है, हेलसिंकी, फिनलैंड, फिर से लैंड, फिर से लैंड, फिर से लैंड मतलब एक जमीन है, लैंड भूमि, ठीक है। तो फिर से लैंड में घुस गई, हेल, हेल मतलब होता है घुसना, ठीक है, सपोज ऐसा भोजपुरी लैंग्वेज है, थोड़ा सा हेल गया, ठीक है, हल गया, हल गया, हल गया, जैसे बोलते हैं ना हल गया उसके अंदर, तो ये थोड़ा सा ऑड है बट याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये कॉमेडी बना सकते हो तो आपको तुरंत याद रहेगा। आप कोई भी बात को कॉमेडी बनाइए बस, उसके बाद अपनी गारंटी अपने माइंड पे छोड़ दीजिए कि वो पक्का आपको याद एग्जैक्ट टाइम पे देगा, बट उसको रिविजन बहुत जरूरी है देना, ठीक है। तो हेलसिंकी, पिंकी, हेलसिंकी फिर से लैंड में घुस गई, कौन, सिंकी, हल गई, पिंकी, तो फिर से लैंड में हल गई पिंकी, तो हेलसिंकी। नेक्स्ट माल्टा, बालेटा, माल्टा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, माल्टा, तो यहाँ से माल, माल, माल मतलब कोई भी माल, कपड़ा हो गया, कुछ भी शूज हो गया, तो माल आप ला रहे हो बाल्टा में, बल्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, बाल्टा में ला रहे हो, तो बड़ा बाल्टा है आपके पास, उसमें बाल्टा में क्या ला रहे हो, माल ला रहे हो, तो माल से क्या, माल्टा से क्या हो जाएगा,
वालेटा, ठीक है, वाल्टा, वाल्टा याद रखिए, वाल्टा, तो वालेटा हो जाएगा। अब वालेटा कब याद आएगा, वाल्टा से, तो अगर आपने वाल्टा ही पढ़ा रहेगा तो वाल्टा ही याद आएगा, सीधी सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। वाल्टा अगर पढ़ रहे हो तो आपको हुआ रहेगा ऐसा कि वाल्टा ही याद आएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि हम एक ही बात पढ़ते हैं, तो आप कम से कम दो से तीन बार रिवाइज करिए, तीन से चार बार, एक वीक में एक बार रिवाइज कर लीजिए, महीने में एक बार कर लीजिए, फिर दो महीने में एक बार कर लीजिए, आप जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे। आपने जिस दिन दो महीने में एक बार रिवाइज करने वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लिच स्टेटिन वाजूद, ठीक है, लिच स्टेटिन, तो यहाँ पे लिच लिची हो जाएगा, ठीक है, लिच स्टेट, लिच स्टेट में वजूद, वाजूद से क्या हो जाएगा, वजूद, लिची स्टेट में इसका कोई वजूद ही नहीं है, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे लिची का कोई वजूद ही नहीं है। एक चीज और इंपॉर्टेंट रखिए, इसके नाम को आप जो कॉमेडी इमेज बना रहे हो वो बहुत ज्यादा आपके माइंड में सेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसका कॉमेडी में याद आएगा तभी ना इसका याद आएगा आपके माइंड को। आप एक चीज बताओगे, जैसे आपने उसको पूछा खाना खाया, तो आंसर दो ही में आने वाला, हाँ या नहीं, ठीक है। अब खाना बना ही नहीं है तो अलग बात है, ठीक है, तो आप ऐसा वो अपने माइंड को ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे कि जिसका आंसर हाँ या ना में होने वाला है, तो ये चीजें आपको याद आएंगी ना। तो आप पहले प्रश्न तो पूछिए, तो अपने माइंड से प्रश्न कैसे पूछेंगे, माल्टा बोला तो आपने बोला कि माल्टा मतलब मैंने माल याद किया था, तो माल में किस मिला था, बाल्टा मिला था, तो बाल्टा से क्या हो जाएगा, वालेटा। नेक्स्ट लीची स्टेट, लीची स्टेट का कोई लीची स्टेट में वजूद ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अजरबैजान का बाकू, अजर बैजान का बाकू, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अजर आज रबेजान रमजान, देखो रबेजान को बारे में बोलेंगे तो रमजान, आज रमजान बाकू से बाकी, बाकू से क्या हो जाएगा, बाकी, तो आज रमजान बाकी है, आज रमजान क्या है, बाकी है। नेक्स्ट बेलारूस, तो इसको इमेज करिए, इमेजिन करिए, और इसको ज्यादा इमेजिन नहीं करना, क्यों, क्योंकि अगर आप अजर बैजान याद रखेंगे ना तो आपको तुरंत याद आएगा, ठीक है। कभी भी अगर किसी ने बोला कि अजर बैजान, तो अजर बैजान आप बार बोलिए, जब नहीं आ रहा है तो आप अजर बैजान, अजर बैजान मतलब आज रमजान, तो आज रमजान क्या है, बाकी है, तो बाकी से क्या होगा, बाकू, बाकू कब याद आएगा, जब आप रिविजन करेंगे। नेक्स्ट बेलारूस, बेलारूस से क्या हो जाएगा, मिंसक, तो बेला, यहां से बेला रूसी है, रूस से मैंने हमेशा रूसी बनाया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं एक वर्ड को हमेशा एक ही से इंडिकेट करता हूं, तो बेला अभी तक रूसी है, क्यों, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्या, मिंसक मतलब मानसिक संतुलन उसका अभी तक ठीक नहीं है। नेक्स्ट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का क्या है, बेलिंगटन, न्यूजीलैंड का क्या है, बेलिंगटन। अब ये मुझे आप बताइए, ठीक है, चलिए ये मुझे आप बताइए, एक होमवर्क आप ले लीजिए, ठीक है। न्यूजीलैंड, मैं थोड़ा सा एक इमेज बता देता हूं, न्यूजीलैंड मतलब न्यू न्यूज, ठीक है, न्यूजीलैंड से आप न्यू बना सकते हो, न्यू न्यूज पे वेलिंगटन, अब इसको आप बनाइए, ठीक है, वेलिंगटन का आप बनाइए। नेक्स्ट माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया का पीलीकिर, पीलीकिर, तो माई, माई मतलब समझते हो आप लोग सब भोजपुरी में, ठीक है, माई, माई कोने में, माई कोने में खड़ी है, क्यों, पीली खीर लेके खड़ी है, क्या, पीली खीर लेके खड़ी है आपको खिलाने के लिए, पीली खीर लेके माई कोने में खड़ी है, तो माई क्रोनेशिया, माई कहां पे खड़ी है, कोने में खड़ी है, क्यों खड़ी है, पीली खीर लेके खड़ी है। नेक्स्ट किरीबाती, किरीबाती का क्या है, बैरकी, ठीक है, किरीबाती का क्या है, बैरकी। अब किरीबाती, तो किरीबाती से क्या बन सकता है, किरीबाती से आप क्या बना सकते हो इसको, किरीबाती, तो बैर, बैर, बैरी को बैर रखिए, यहां पे क्या लिख दीजिए, बैर, बैर, आपकी करामत, इसको किरीबाती से क्या करेंगे, करामत, ठीक है, किरीबाती से क्या करेंगे, करामत। तो किरीबाती, देखिए यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि किरीबाती और करामत बहुत ज्यादा वर्ड मिक्सअप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप जितनी ज्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा चीज याद रहे, किरीबाती से करामत हो जाएगा, तो करामत बैर की, तो आपकी जो करामत है, करामत मतलब जो आप काम करते हैं बहुत ज्यादा आपका खराब है, इसीलिए लोग आपसे क्या रखते हैं, बैर रखते हैं, ठीक है, ऐसे याद करिए। नेक्स्ट पंच पोलिनेशिया पपीता, ठीक है, पपीते, तो पोलिनेशिया पपीता को कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, पोलिनेशिया, यहां पे दो वर्ड मिल रहा है, देखिए नशा मिल रहा है, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे नशा, ठीक है, यहां पे देखिए पोली नशा, ठीक है, या फिर इसको पान भी बोल सकते हो आप, ठीक है, पान और नशा, तो पान नशा आप कर रहे हो, कहां पे कर रहे हो, पपीते के पेड़ के नीचे, कहां पे कर रहे हो,
पपीते के पेड़ के नीचे। देखिए एक वर्ड से आप बहुत सारा बना सकते हैं। जब मैं यहाँ पे चीजें बताते रहता हूँ तो मैं जिस तरह से पढ़ा हूँ वो भी मुझे याद आता है, प्लस मैं यहाँ पे और देखते रहता हूँ कुछ और नया तो नहीं बन रहा है। अभी जैसे मैं यहाँ पे सोच रहा था किरीबाती से करामत तो हो सकता है, बट और कुछ बन सकता है कि इजी वे में हो जाए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी यहाँ पे भी बना सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। बट अभी मैं जिस टेक्निक से बता रहा हूँ वो टेक्निक तो बेस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी टेक्निक है। नेक्स्ट, पोलिनेशिया में पपीता हो गया, ठीक है, पोलिनेशिया, आप नशा कर रहे हैं पपीते के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्या है, मार्शल द्वीप मजूरो, मार्शल द्वीप मजूरो, तो मार्शल से मास हो जाएगा, मास द्वीप, मास जहां पे मास रखा हुआ है पूरा, ठीक है, तो मास द्वीप, आप एक आइलैंड पे बैठ के मास खा रहे हो और मजूरों से मुजरा, मजूरों से क्या हो जाएगा मुजरा, और मुजरा देख रहे हो, क्या कर रहे हो मुजरा कर रहे हो, मुजरा देख रहे हो, ठीक है, तो या फिर ऐसा भी आप कर लीजिए कि मुजरा आप कर रहे हो, ठीक है, तो मांस आप द्वीप पे बैठ के मांस खा रहे हो और प्लस क्या कर रहे हो मुजरा भी कर रहे हो। नेक्स्ट, नारा, नारा सा भारन, ठीक है, नारा का भारन, ये भी आप मुझे बताएंगे। देखिए आप जितना ट्राई करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा, इसलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं। और आप वीडियो अगर देख रहे हैं, यहां तक आप वीडियो तक पहुंच चुके हैं, तो प्लीज वीडियो को रोकिए और थोड़ा देर सोचिए, सोचने के बाद नीचे पहले कमेंट करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। जैसे भी आपको आता है उल्टा सीधा जो भी आप बना सकते हो, नारा, नारा का मतलब कोई भी नारा होता है, ठीक है, नारा भारन, भार बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, नारा बहुत भारी है तो नारा भारन, तो आप कुछ भी बनाइए और मुझे नीचे कमेंट चाहिए, ठीक है, बस अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट करिए। नेक्स्ट, पी सामुआ, ठीक है, तो सामुआ, सामुआ से क्या बना सकते हो एपिया, अब देखो एपिया हिस्सा है तो सामुआ से क्या बनेगा साम को आ, साम को आ एपिया, आप अपने पिया को बोल रहे हैं कि एपिया साम को आ, साम को आ पिया, साम को आ एपिया, आपने बहुत प्यार से उसको बोला कि अरे साम को आ ना एपिया, ठीक है, तो एपिया, पिया का मतलब समझ रहे हो आप सब लोग, ठीक है, तो साम को आ एपिया। नेक्स्ट, अरूबा, अरूबा से क्या बनेगा ओरेंज स्टेट, ऑरेंज स्टेट, तो रूबा नाम की लड़की है, रूबा नाम की लड़की है, ये रूबा आज ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के आई है, कौन सा कलर का कपड़ा पहन के आई है, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के आई है और स्टेज पे खड़ी है, कहां पे खड़ी है स्टेज पे, तो स्टेज, ठीक है, स्टेज पे खड़ी है ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के, या फिर ऐसा बोले कि रूबा ही एक ऐसी लड़की है जो ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के पूरे स्टेट में खड़ी है, पूरे स्टेट में सब ऑरेंज कपड़ा कौन पहनता है, रूबा पहनती है, तो रूबा हो गया। देखिए दो तरीके से मेरे टेक्निक, दो तरीके से अलग अलग नाम कुछ भी आते रहते हैं, ठीक है, पेरू, पेरू से लीमा, तो पेरू से पैर, आपका पैर खराब हो जाए, खराब हो गया है, तो जब आपका पैर खराब होगा तो आप लंगड़ा के चलेंगे, तो मतलब आप लेम हो गए, क्या हो गया लेम, लंगड़ा, तो आप लेम हो गए, तो लेम से क्या हो जाएगा लीमा। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का नूक है, ग्रीनलैंड का क्या है नूक, अब ग्रीनलैंड मतलब आप समझते हो हरा, ठीक है, ग्रीन मतलब हरा, लैंड मतलब जमीन, तो आप जो ग्रीन लैंड है वो आंख से देख नहीं रहे, नाक से सूंघ रहे हैं, आपने आंख बंद किया और नाक से सूंघ रहे हैं कि ये तो ग्रीन लैंड है, तो आप क्या कर रहे हैं नाक से सूंघ रहे हैं, तो नूक, नाक से क्या हो जाएगा नूक, तो नाक से नूक याद आए, इसलिए आपको रिविजन बहुत जरूरी है, इसको लिख लीजिए और इसको रिवाइज करिए, अगेन एंड अगेन रिवाइज करिए, ठीक है। सूरीनाम, सूरीनाम से परम रिबो, ठीक है, सूरीनाम, तो अब यहाँ पे सूरीनाम, आप सुर नाम मतलब सुर नाम है, सूर्य नाम मतलब सुर में नाम ले, किसका नाम ले परम का, परम भगवान राम का, ऐसा भी बता सकते हो कि परम रब या परम रब का, परम राम का, ठीक है, तो सुर में नाम ले, सुर में नाम ले किसका परम, परम भगवान का, ठीक है, तो परम का सुर में नाम ले, तो परम से क्या हो जाएगा परम रिबो या परम रब, परम रब का नाम सुर में ले, तो इस तरह से क्या हो जाएगा परम रिबो। नेक्स्ट, कैप वर्ड, कैप वर्ड से क्या है प्रया, ठीक है, प्रया में क्या हो जाएगा देखिए कैप वर्ड, कैप वर्ड को अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो कैप मतलब होता है कैप टोपी, वर्ड मतलब बर्ड, बर्ड, ठीक है, वर्ड मतलब बर्ड, तो एक बर्ड है जो कैप लगा के आई है और प्रे कर रही है, प्रे मतलब होता है प्रार्थना, तो प्रे कर रही है, तो प्रे से क्या हो जाएगा प्रया, ठीक है, तो कैप वर्ड का क्या हो जाएगा कैपिटल प्रया। नेक्स्ट, गिनी, गिनी से कोनाको, ठीक है, गिनी से क्या हो जाएगा कोनाके, तो अब आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप कुछ वस्तु कोने में रखी हुई है, उसको गिन रहे हैं, गिन रहे हैं, क्या कर रहे हैं गिन रहे हैं, कोने में जो कोने में वस्तु रखी हुई उसको आप क्या कर रहे हैं गिन रहे हैं, ठीक है, तो कोने में रखी हुई वस्तु को आप क्या कर रहे हैं गिन रहे हैं, तो कोनाके, ठीक है, कोनाके, कोनाके थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको सिंपल लगता है तो आप सोचिए, कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसका नया वर्ड बना के मुझे बताएंगे तो, ठीक है, तो ये होगा टोटल 16,
इसके जस्ट अगले वीडियो में हम आर्टिकल्स नहीं तो फिर इसी कंट्री ऑन कैपिटल्स के ऊपर बात करेंगे। टोटल हम 198 देखने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंसी और कैपिटल देखेंगे, वो भी हम पूरा कंप्लीट करा के लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।